मैं शेयर करूंगी सारा वीडियो हमारा जो भी है, हमारी मुजफ्फरपुर का छठ पूजा कैसा होता है, मोतीपुर मुजफ्फरपुर का आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आगे आप कंटिन्यू ब्लॉग हमारा देखते रहिएगा। सो फिर नहीं 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 चमकेक हो चमकौली बम बम कर दो बम बम बम। एक बार गोदी में दे दीजिए, नहीं गिरेगी माँ कसम नहीं गिरेगी। नहीं मिला तो ही गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो मैं रास्ते से ही शुरू कर रही हूँ आज का ब्लॉग। और यहाँ पे हम थोड़ा देर रुके थे गंगा नदी के पास, थोड़ा विसर्जन का सामान था दिवाली का पिछले साल का, तो वो विसर्जन करना था। बाकी अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। और यहाँ पे हम लोग आधे रास्ते पहुँच चुके हैं, ये डुमरिया पुल ना, तो ये हम लोग डुमरिया पुल में अभी हैं और ये सारे अभी बच्चे साथ में बैठे हैं। सो शोना भी इधर सो गई है, और जब से ये गाड़ी में इसको लेके बैठे हैं घर से ही तब से ये सोई ही, अभी भी सो रही है मस्त है। और इसकी बड़ी मम्मी ने इसको पूरा काजल टीका सब कर दिया है, चंदा दीदी काजल टीका सब लगा दी है। ऐसे मैंने कुछ नहीं लगाई थी, बस इसको रेडी कर दी थी। जब नीचे गई है तो देखिए कि कुछ लगा ही नहीं है बच्चा, तो काजल और टीका सब लगा दी है। अब मुझे ना मुझे काजल लगाना आता नहीं है, तो इसलिए मैं लगाती नहीं, पहले लगा देती थी थोड़ा सा ईयरबड से, पर अब नहीं लगा पाती हूँ, छोड़ देती हूँ, टाइम भी नहीं मिल पाता है बिल्कुल। और इतना ज़्यादा शेड्यूल हमारा बिजी रह गया, इधर तीन दिन से नहीं रुक, मतलब तीन दिन से हम लोग इतने बिजी रह गए कि ये मत पूछिए, मतलब बिल्कुल भी रेस्ट करने का बिल्कुल टाइम नहीं। और दो दिन पहले दिवाली से साफ सफाई, फिर दिवाली, फिर आज हम लोग निकल गए हैं घर के लिए। और रास्ते में बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो गया है। सो अभी रू कुछ बोलोगे क्या? बोले क्या बोले, तो सबका हालत तो ऐसे ही ख़राब हुआ हुआ है। बाकी इधर ट्रक वगैरह आ रही है जो कि बहुत ही सजी सजी दुल्हन के जैसे दिवाली में सब लोग पूजा, दीपावली में पूजा हुआ होगा तो सब पूजा। बाकी चलिए गाइस घर पहुंच के फिर आपको आपसे मिलते हैं और घर वालों से मिलवाते हैं। छठ पूजा करती है, मतलब बचपन से मैं देखती आ रही हूँ हर छठ पूजा में। हम घर पे रहते हैं माँ के साथ, शादी के बाद भी छठ पूजा जब भी होता है तो मैं घर जाती ही हूँ। और जो पूरे साल भर में एक बार आता है, और जो छठ पूजा का वाइब्स होता है गाइस ऑसम होता है वैसा वाइब्स, मतलब एकदम से फीलिंग इतना अच्छा गुड आता है। सो अभी हम लोग पूरी फैमिली जा रहे हैं घर और छठ पूजा सेलिब्रेट। और ये रॉकेट वॉकेट सब लेके जा रहे हैं। सो छठ पूजा हम कैसे मनाते हैं, क्या करते हैं, वो सब आपको मैं दिखाऊंगी, सारा ब्लॉग आपके साथ मैं शेयर करूंगी, सारा वीडियो हमारा जो भी है, हमारे मुजफ्फरपुर का छठ पूजा कैसा होता है, मोतीपुर मुजफ्फरपुर का आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आगे आप कंटिन्यू ब्लॉग हमारा देखते रहिएगा। सो फिलहाल तो मैं जा रही हूँ घर, और आधे रास्ते से ज़्यादा हम लोग पहुँच गए हैं, बाकी थोड़ी देर में आगे। सो नानी के यहाँ जब भी जाना होता है रूडी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, इसको बहुत ज़्यादा मतलब खुश होता है, इसलिए भी ज़्यादा खुश होता है ये, क्योंकि है ना इसको पढ़ना नहीं पड़ता नानी के यहाँ, बस मस्ती जलाना पड़ता है, पढ़ना नहीं पड़ता है, खेल मस्ती। हाँ बस खेल मस्ती के लिए उसको बहुत मज़ा आता है। सो
रास्ते में हमें दिख गया पानी पूरी का स्टॉल, तो बच्चे सारे जिद करने लगे कि पानी पूरी खाना है, सोना को भी खाना है। और सोना एकदम साइलेंट शांत बैठी, एकदम बिल्कुल कुछ नहीं, हाँ कुछ भी नहीं, रोना धोना हंसी कुछ भी नहीं, एकदम साइलेंट बैठी है ये। वेल बच्चे सारे, ओए पानी पूरी खाना लोगों को, निकलो फटाफट, लेट मत करो, लेट होगा जाने में। तीन घंटे से मैं गाड़ी में बैठी हूँ, बहुत पकड़ ना थोड़ा बेटा, मुझे पानी पूरी खाना, थोड़ा सा मैं भी अपना कमर पैर हाथ सीधा कर दूँ। पानी पूरी खा रहे हो तुम लोग जी? हाँ बच्चा लोग सब पानी पूरी खाने लोग है, कहाँ से आया तुम लोग? बहुत टाइम से लोग देख रहे कहाँ मिलेगा पानी पूरी का स्टॉल के रुके यही मिलेगी। कौन सा गाँव है आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग अभी वहाँ से आ रहे हैं गोरखपुर। गोरखपुर बहुत सफर से आ रहे हैं, बहुत नंबर बजा रहे हैं, क्या पकड़ो पकड़ो फटाफट पकड़ो छठ पूजा में आए लोग। 15 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर है, ठीक है, ज़्यादा पानी पानी मत दीजिए इसको, ठीक है, हाँ पानी मत दीजिए, सूखा दीजिए इसको, आराम से खाओ सके नहीं, ठीक है थोड़ी तो उपासना के लिए यहाँ बन गया है एकदम डाल के लाल मिर्च का पाउडर। बाप रे ये तीखा नहीं, ज्यादा तीखा भी मत बनाइए, ज्यादा तीखा ही बनाया जाएगा यार, तीखा उपासना को लगेगी तीखा और पानी पिएगी पूरा दो डब्बा बैठ गया। हरा मिर्च है ना वो तीखा लगता है, जाओ ना गाड़ी में आराम से खिलाए, धीरे हबड़ा नहीं आराम से खिलाएंगे। तो गाइस हमें मिल गया है यहाँ चांदी का कटोरा जिसमें खाएंगे हम पानी पूरी। पानी भी हमको ज़्यादा ज़्यादा नहीं खाएंगे, हाँ हल्का हल्का पानी डालेगा, ज़्यादा नहीं डालेंगे। शोना जा रही है अभी नानी के यहाँ, और शोना का ये पहला छठ पूजा सेलिब्रेट होगा नानी के घर, है ना, नानी के यहाँ पहला। हाँ तुझे पता होगा ना कितना खुश हो रही है, आले बुलाओ ना बुलाओ, इतना दौड़ के उछल के गई है एकदम पहचान गई अपने डैडी को, एकदम पहचान गई। शोना शोना इधर 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 इधर, डैडी को पहचान गई है, पहचान गई डैडी को, हाँ 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 हाँ, तब पूरा रोड देख रही है पूरा। हाँ चाय पियोगे? हाँ चाय पीने का मन कर रहा हूँ, ले छोटू अभी से पहुँच गए है मोतीपुर। हेलो एडी कैसी हो? ठीक है, हेलो बोल दो सबको। और आने के साथ ही बस इन लोग का हो गया ड्रामा शुरू मामू के साथ। सुना चलो वो सफाई खबर गियर लग गया,
भैया तो रूढ़ी क्या है ना कि कार भी चलाना चाहते हैं, तो भैया को नहीं पता था स्कूटी में बैठता है तो। वेल नमस्ते चाची, नमस्ते, सब ठीक है? आप लोग ठीक हैं? सब बढ़िया। तो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ, देखिए आराधना क्या कर रही है। सो देखते हैं गाइस की इधर, वाह लाइट सुबह अभी से नहीं आया। हाँ लाइट नहीं आया। आ हाय, व्हाट हैपेंड डियर, व्हाई आर यू लेटिंग, व्हाई संजीशी ने के अगर इसको नशा को दवाई खान चाहो तो नशा को दवाई उस तो बांच को नशा को दवाई खान चाहो खांसी को नशा को दवाई खान चाहो बेनाडिल खाया खांसी को बेनाडिल तो कौन का चश्मा को यो चलो तो हमने से झोले बाबा लगाई दी सकते हाँ हाँ इधर साइड में खड़ा कर दूँगा वाह छो ना दीदी को पाँच बोलिए 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 जाओ 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 एक बार गोदी में दे दीजिए, नहीं गिरेगी माँ कसम नहीं गिरेगी। रेडी बोले एक बार गोदी में दीजिए ना सोना को, माँ कसम नहीं गिरेगी। बहुत नॉटी है, बहुत नॉटी बच्ची है, नॉटी बच्ची है। रेडी दरा हाथ आगे करो कभी दे बाबू को छाई ना ठंडा पोक पोक कुटी 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 कुटी। और गाइस आपको पीछे में दिखता हो दिख रहा होगा ये डेकोरेशन, ये सारा डेकोरेशन, और मैं बताती हूँ कि डेकोरेशन क्यों हुआ है। तो सोना हो गई है 4 मंथ की, 4 मंथ सोना का हो गया है कंप्लीट, इसलिए सोना के लिए भैया ला दिए हैं ये सारा डेकोरेशन का सामान, मामू इसके बड़े वाले मामू। सो आज बोले कि 4 मंथ इसका सेलिब्रेट करते हैं, तो सोना 4 मंथ की हो गई है। तो गाइस ये जो जितना भी डेकोरेशन है मैंने और डैडी ने किया है गाइस, तुमने देखा है झूठ मत बोलो। तो गाइस एडी ने भी डेकोरेट किया है, एडी ने भी डेकोरेशन किया है। हाँ मैंने बोल दिया गाइस को, चलो तो गाइस एडी ने भी डेकोरेशन किया है। तो गाइस बस शौक से हम लोग ये मना रहे हैं 4 मंथ्स का, और नकली वाला भी लगा दिया है। सडनली इसके मामू ला दिए केक सडनली। तो गाइस मैं यहाँ पे सोना का केक लेके जा रही हूँ। तो सोना को थोड़ी ना पता सरप्राइज, उसको सेंस कहाँ है, मुझे चुप चुप बोले। बाकी इधर मैं दिखाती हूँ कि ये सारे लोग क्या करे, यहाँ पे बाबा सो गए हैं खाना वाना खा के, बाबा का थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। बाकी इधर बाप बेटी का चल रहा है मोबाइल वॉचिंग। चलो सब हाँ जाओ हाँ छिटकी चलो केक काट ले। सो चलिए सोना के हाथ से केक कटवाते हैं, वो कैसे पकड़ेगी। अच्छा उसका मीटिंग्स खोल दो, उसका मीटिंग्स खोल दो। अरे तेरे हाथ में लिए केक उ गरेस। तो ये है सोना का केक जिसमें लिखवाया है सोना, और सोना उसको मीटर हटा दो, मीटर हटा दो। चलो चलो कौन सुनाई फूकेगी। 4 months हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू।
हम लोग केक कटने के बाद मैं आपको दिखा दी हूँ कि केक कहाँ पे रखा है। सो गाइस केक वहाँ पे रखा है, ऊपर रखा है क्योंकि केक कट वो खाने के लिए नहीं केक आया है, बस काटने के लिए आया था। खाने के लिए आया ना, खाने वाले केक नहीं है, बस काटने वाले केक। केक कटता है तो मिलता नहीं है सब लोगों मिलता है, केक कटेगा तो सब में बटेगा। हम खिला रहे हैं, हम खिला रहे हैं। केक कटेगा तो सब प्लेट में मिलेगा। हाँ ये, हाँ यही मामू मुझे सब लोग खाओ, मामू खिला लेंगे अपने हाथ से। चलो खाते रहो खाते रहो